गॉड ब्लेस यू। खुदा यीशु मसीह के कारण चला दी बरकत नामे असर पर काम। हालेलुया, हमने प्रस्तुति की बड़ी खुशी के साथ गाते बजाते हुए खुदा की तारीफ की, खुदा की हमको सुना की। अब वक्त है तो खुदा की जिंदा आवाज को सुने। सो गेट रेडी, बाइबल है जिनके पास बाइबल है अपनी बाइबल ऊपर करें थोड़ा और दौड़। खुद आपको बरकत दे। आए जो बाइबल लेकर हैं उनके लिए तालियां बजाएं, जोर का तालियां। और जो बहन भाई बाइबल नहीं लेके आए लेकिन पढ़ सकते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बाइबल लेके आया करें। जब हम खुद पढ़ते हैं और फिर ताकि काम को सुनते हैं तो ज्यादा बरकत पाते हैं। ओके अभी तो आज का हमारा अनुमान है बड़ा काम। क्या अनुमान है? पहले मुझे ये बताइएगा, पिछले अतवार जो मैसेज हुआ था उसका अनुमान क्या था? एक और में क्या अनुमान था? सलाम अलैकुम। खुद आपको बरकत दे। आज का अनुमान है बड़ा काम। क्या अनुमान है? क्या अनुमान है? क्या अनुमान है? बड़ा काम। प्रेज़ द लॉर्ड। आए मेरे साथ निकाले इस रचना की किताब, उसका 29 बाप नंबर 29 उसकी 3 इस रचना की किताब उसका 29 बाप उसकी 3 क्लार्क का जिसमें मालूम है इम्तहान के वो बड़े बड़े काम और निशान और बड़े बड़े करिश्मे तूने अपनी आंखों से देखे। खुदा का पाकलाम पढ़ा और सुना जनाब, हम सब के लिए पैसे बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीजों, इस खूबसूरत आयत के अंदर हमें जिक्र मिलता है बड़े बड़े काम और निशान और बड़े बड़े करिश्मे। तो आज हम सिर्फ इस बात को सीखेंगे कि बड़ा काम जो है खुदा का पाकलाम बड़े काम के बारे में हमें क्या सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हो सकता है कि आप में से इस वक्त बहुत से परेशानी की हालत में बैठे हों, हो सकता है कि आपके दिनों में इस वक्त बहुत सी आप दुर्खास्तें लेके आए हों, हो सकता है कि आपका अजीज इस वक्त किसी बीमारी और परेशानी की हालत में हो सकता है आप रुपये पैसे की तंगी में जिंदगी गुजार रहे हों, और ये भी हो सकता है कि आपके पास औलाद ना हो और बे औलादी के साथ जिंदगी गुजार रहे हो, और ये सारी बातें हो सकता है आप में से कुछ की जिंदगी में गुर्बत पाई जाती होगी, किसी की जिंदगी में कोई बीमारी और परेशानी पाई जाती हो सकती है, और किसी को बे औलादी का दुख और तरह तरह से बहुत से मामलात हैं, ये सारी डिस्टर्बेंस में आप हो सकते हैं। अजीजो, आज आपको एक बड़े काम की जरूरत है। आज आपको जरूरत है कि आपकी जिंदगी में खुदा बड़ा काम करे। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि आपकी जिंदगी में खुदा बड़ा काम करे? प्रेज़ द लॉर्ड। सब चाहते हैं बड़ा काम, सब चाहते हैं बड़ा काम। बड़ी गाड़ी किसको चाहिए? हाँ जी, किसको चाहिए? सबको चाहिए ना। बड़ा घर किसको चाहिए? कितने बहन भाई हैं जिनका घर अपना नहीं है, वो रेंट पे रह रहे हैं, और जो बहन भाई रेंट पे रह रहे हैं, आपको बड़ा घर चाहिए? यस, चाहिए। क्या मेरा कोई ऐसा भाई है जो आज के टाइम पे भी साइकिल पे काम पे जाते हैं? अगर कोई है तो दिखाएं। दो लोग हैं, दो भाई हैं। मैं साइकिल पे जाता रहा हूँ जॉब पे, मेरे वाले साहब साइकिल पे जॉब पे जाते रहे हैं, लेकिन वो बर्तन कुछ और था, आज बाइक आम है। लेकिन अगर आज के दौर में भी कोई हमारा बहन भाई साइकिल पे जाता है तो उसको बेहतरीन बाइक की जरूरत है, और बेहतरीन बाइक मिलेगी, और जब मिलेगी तो यकीनन ये जिंदगी में बड़ा काम होगा। हालेलुया। आगे जी, अभी तो आज ये खुदा ने दिल में डाला कि इस चीज पे कलाम सुनाया जाए
क्योंकि हम पसमंदगी की हालत में जिंदगी जीते हैं, रुपए पैसे की तंगी में जिंदगी जीते हैं, महंगाई बहुत है और जब हमारी जरूरत पर पूरी नहीं होती तो बेचैनी, फिक्र और हर तरह की मायूसी में हम जिंदगी जीते हैं। और अगर कहा जाए कि भाई चर्च आए तो अपनी परेशानियों में, अपनी फिक्रों में, अपनी मुसीबतों में हम इस बुरे तौर पर धंसे होते हैं, फंस चुके होते हैं कि हमारे लिए जो है चर्च जाना मुश्किल होता है। तो अजीजों, इस परेशानी की हालत में हमें जरूरत है कि हमारी जिंदगी में खुदा एक बड़ा काम करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम देखेंगे कि किसकी जिंदगी में खुदा ने बड़ा काम किया। तो सबसे पहले हम नूह के खानदान को देखेंगे। अजीजों, नूह का खानदान जो है राष्ट्रवाद खानदान था। नूह और उसकी फैमिली खुदा के साथ चलने वाले, खुदा का क्रोध रखने वाले और अपने आप को हर तरह के दुनियादारी के कामों से अलग रखने वाला खानदान था। खुदा ने नजर की और जमीन पर खुदा ने बदी देखी, हर तरफ बदी, हर तरफ गुनाह, हर तरफ लोग खुदा के खिलाफ जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ये खानदान ऐसा था जो खुदा से प्यार करने वाला और खुदा के हुजूर वफादारी से चलने वाला खानदान था। और आप जानते हैं पूरी दुनिया तबाह हुई, सारे जानवर मारे गए, लेकिन नूह और उसके खानदान की जिंदगी में खुदा ने एक बड़ा काम किया। हालेलुया। और वो बड़ा काम क्या था? खुदा ने नूह और उसके घराने को बचाया। अजीजों, क्या ये छोटी बात है कि पूरी दुनिया के सारे लोग मारे गए और उस अफरा तफरी और मुसीबत के वक्त में एक खानदान बचाया गया? क्या ये छोटी बात है? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे खुदा ने अपने जलाल को जाहिर करते हुए बड़ा काम किया। अजीजों, ये वाक्या हमें एक बड़ी खूबसूरत टीचिंग देता है और वो ये है कि खुदा जैसे नूह को उस मौत से बचा कर उसके खुदा ने उसकी जिंदगी में बड़ा काम किया, खुदा हमें भी बचा सकता है और खुदा हमें भी बचाना चाहता है और खुदा हमें भी बचा कर हमारी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता है। लेकिन अजीजों, क्या होता है, हम अपनी जिंदगी में खुदा को दावत नहीं देते, हम अपनी जिंदगी में खुदा को मौका नहीं देते कि हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे। ये हकीकत है कि खुदा हम सबकी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता है। पहले मुझे ये बताएं, हम हैं कौन? हम कौन हैं? हम मसीह में कौन हैं? खुदा के बेटे हैं। ये बात बार बार दोहराई जाती है, याद रखा करें आप कौन हैं, इसको याद रखा करें। मसीह में हम कौन हैं? खुदा के बेटे और बेटियां। लास्ट टाइम शेयर किया था कि हमारा स्टैंडर्ड कुछ और है। तो खुदा नहीं चाहता हम गुरबत में जिंदगी गुजारे, खुदा नहीं चाहता हम बीमारे में जिंदगी गुजारे, खुदा नहीं चाहता हम हर वक्त डिप्रेशन में जिंदगी गुजारे। खुदा हमें इन चीजों से निकाल कर हमारी जिंदगी में बड़े बड़े पोशाक करना चाहता है, हमारी जिंदगी में बड़े काम करना चाहता है, हमें बड़ी गाड़ी देना चाहता है, हमें बड़ा घर देना चाहता है, रूहानी बरकतों से मामूर करके हमारी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करना चाहता है। खुदा ये सब कुछ चाहता है, लेकिन हम भी चाहते हैं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे? खुदा चाहता है तो हमारी जिंदगी में ऐसा करे और हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए ऐसा किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा तो इतनी तो सही कि कोई प्रॉब्लम है, कोई एक बात या कुछ बातें ऐसी हैं जो सही नहीं है, कुछ ऐसा है जो रॉन्ग है। इसीलिए हमारी मर्जी और खुदा की मर्जी पूरी नहीं हो रही, इसलिए हमारी जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं हो रहा, हमारी जिंदगी में कोई बड़ा मौजदा रोना नहीं हो रहा। हम जैसे पिछले 5 सालों से गुर्बत में थे, आज भी वैसे ही हैं। अगर हम पिछले कई माह से बीमारी में मुबतला थे तो आज भी वैसे ही हैं। अगर हम कई माह से और पिछले कई सालों से डिप्रेशन में जिंदगी गुजार रहे हैं तो आज भी ऐसे ही है। हालात बदल क्यों नहीं रहे? हालात बदल सकता है सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका जिंदा खुदा। वही है जो बड़े बड़े काम करता है, वही है जो शिफा देता है, वही है जो गुर्बत से रहाई देता है, वही है जो हर तरह की बीमारी से चंगाई देता है। हालेलुया, उसके नाम के लिए जोर से ताली बजाएं।
अभी तो लोग खानदान को बचाने के वसीला से खुदा ने उसकी जिंदगी में एक बड़ा काम किया। इब्राहिम की जिंदगी में खुदा ने एक बड़ा काम किया, और काम क्या था? खुदा ने उसको कौमों का बाप बनाया। बनाया जी, ये वाकयात रटे रटाए वाकयात हैं, लेकिन हम आज इसको थोड़ा सा एक खास पॉइंट से देख रहे हैं और इसको रिव्यू कर रहे हैं। इब्राहिम के जरिए तो खुदा ने एक बड़ा काम किया, और वो काम क्या था? उसको उसके खानदान से निकाला, उसके मुल्क से निकाला, उसकी फैमिली से निकाला, और खुदा ने उसको कहा कि मैं तुझे वादा के मुल्क से लेकर जाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, और आज वो ईमानदारों का बाप कहलाता है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? मुझे बताएं, क्या ये छोटा काम है? क्या ये छोटा काम है? इब्राहिम एक आम सा इंसान था, आपके और मेरे जैसे। आज पूरी दुनिया इब्राहिम को जानती है, इब्राहिम नबी के नाम से, हजरत इब्राहिम के नाम से, प्रॉफेट इब्राहिम के नाम से लोग जानते हैं। और दुनिया के जितने मजहब हैं, मेजॉरिटी जो बड़े मजहब हैं, वो इब्राहिम की पर्सनैलिटी को जानते हैं, और बाकी भी लोग जानते हैं। लेकिन एक बात सोचे, आज से हजारों साल पहले एक शख्स इब्राहिम, उसकी जिंदगी में खुदा ने कैसा बड़ा काम किया कि तब से लेकर अब तक उसको नामवर किया। क्या किया? नामवर, मशहूर। कौन पर मशहूर होना चाहता है? शायद कोई हाथ ना उठाए, लेकिन हर एक के दिल में चाहत पाई जाती है कि मैं मशहूर हो जाऊं। आज लोग मशहूर होने के लिए टिकटॉक बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बनाने चाहिए, वो उनका मैटर है, हम ये डिस्कस नहीं कर रहे। लोग बहुत से काम करते हैं मशहूर होने के लिए, लेकिन फिर भी कई दफा मशहूर नहीं होते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इब्राहिम की तरह, कुछ लोग ऐसे होते हैं इसहाक की तरह, कुछ लोग ऐसे होते हैं यूसुफ की तरह, जिनको मशहूर खुदा करता है और उनकी जिंदगी में ऐसा करने से एक बड़ा काम करता है, और ऐसा मशहूर करता है कि दुनिया रहती तक उनका नाम रहता है। कैसे? अगर इब्राहिम के लिए खुदा ऐसा कर सकता है, इसहाक के लिए ऐसा कर सकता है, यकूब के लिए ऐसा कर सकता है, तो आपको और मुझे भी खुदा नामवर कर सकता है, मशहूर कर सकता है। अगर उसे कौमों का बाप बना सकता है खुदा, तो हमें भी बना सकता है। अगर इब्राहिम का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है, उसको जानते हैं लोग, क्योंकि वो खुदा का नबी, खुदा का बड़ा प्रतिनिधि और खुदा का दोस्त भी कहलाता है, ऐसा नबी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप या मैं, मेरे में से कोई ऐसा शख्स आपको खुदा नामवर करे और आपका नाम पूरी दुनिया में जाना जाए। ऐसा हो सकता है और ऐसा खुदा कर सकता है। क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए ऐसा करे? क्या आप चाहते हैं खुदा आपके लिए ऐसा करे? आप आज बड़े बड़े खादिम को देख लें, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख लें, आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देख लें, कोई भी शख्स किसी भी फील्ड से है जो दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है, जिसका नाम है, कभी वो आम शख्स था, बिल्कुल आपके और मेरी तरह। लेकिन उनकी कुछ एफर्ट्स, उन्होंने एफर्ट्स की, मेहनत की, जदोजहद की, और कुछ पर्सनैलिटी ऐसी हैं जिनको खुदा ने इज्जत बख्शी और आज पूरी दुनिया को जानती है। खुदा के खादिम पास्टर अनवर हुसैन साहब, जो हमारे मुल्क का एक बड़ा कीमती असासा है, और खास करके हमारी मसीही कौम का एक बड़ा ही कीमती पर्सनैलिटी है, मसीह में होते हुए वो खुदा के बड़े जबरदस्त खादिम है। कई लोगों के मुंह से मैंने ये बात सुनी है कि कभी वो भी एक आम से शख्स हुआ करते थे और वो एक आम से जिंदगी गुजारा करते थे, और आज पूरी दुनिया पास्टर अनवर हुसैन साहब को जानती है। आज अगर आप 25 साल पीछे जाएं, तो शायद पास्टर अनवर साहब को पूरी दुनिया नहीं जानती थी, शायद उसके इलाके के लोग भी उसको सही तरीके से ना जानते हों, लेकिन खुदा ने उसकी जिंदगी में एक बड़ा काम किया, और आज उस बड़े काम के वसीला से पूरी दुनिया उसको जानती है। हालेलुया। तो अजीजों, ऐसा बड़ा काम खुदा हमारी जिंदगी में करे, आज का यही टॉपिक है, आज के मैसेज का यही मकसद है। आज हमने जानना है और कोशिश करनी है कि खुदा हमारी जिंदगी में बड़ा काम करे। अजीजों, एक और हमें बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी नजर आती है जिसकी जिंदगी में खुदा ने एक बड़ा काम किया, और वो थी हन्ना। हन्ना को कौन कौन जानते हैं? मैं तो बड़ी चंगी तरीके ना जानना वा, क्यों? क्योंकि हन्ना के बेटे के नाम से मेरा नाम रखा गया है, बोल। हन्ना आप जानते हैं, हन्ना वो थी जिसकी औलाद नहीं थी, और लिखा है कि वो बांझ थी।
उसकी औलाद नहीं हो सकती थी। वो एक ऐसे मर्द में मुब्तला थी, लेकिन वो खुदा के घर में गई और वो रोई, वो चलाई, वो करलाई, और उसकी आंखों को खुदा ने देखा और खुदा ने उसको औलाद बख्शी और खुदा ने उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम किया। बड़ा काम नहीं, बहुत बड़ा काम। एक ऐसी बहन के घर में औलाद नहीं है कई सालों से, और उसको खुदा ब्लेस कर दे, क्या ये छोटा काम है? हां, ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन अभी तो यहाँ पे गौर करने की बात ये है, हन्ना के जिंदगी में एक बड़ा काम हुआ, लेकिन हन्ना ने कुछ किया? क्या उसने किया? वो उस दुख की हालत में, उस वो महरूमी की हालत में घर बैठी रही? नहीं। क्या वो घर में ही सोचती और रोती रही? नहीं। वो घर से निकली और खुदा के घर में गई, वो हैकल में गई। पहला काम, वो परेशानी की हालत में घर में नहीं बैठी रही, वो घर से निकली, उस फिकर, उस दुख, उसी परेशानी के साथ घर से निकली और खुदा के घर में गई, हैकल में गई, और वहां पे जाके चुप करके बैठी रही। क्या ऐसे फिकर के ताली बजाती रही? क्या साधन पहन के कपड़े देखती रही, ज्वेलरी देखती रही? क्या पास्टर साहब की बुआ जी की ड्रेसिंग पे गौर करती रही? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ना उसने सातवीं बहन को देखा, ना उसने भाई को देखा, ना उसने हैकर की जो है कुफर डेकोरेशन की तरफ नजरें की। उसने सर झुकाया, वो सजदे में की गई और रोकर आंसुओं के साथ उसने जिंदा खुदा को बताना शुरू कर दिया। उसने खुदा से कहा, खुदावंद तू जानता है कि मैं बेऔलाद हूं, खुदावंद तू जानता है कि मैं महरूमी की हालत में तेरे पास आई हूं, खुदावंद तू जानता है मेरी सोकर मुझ पर हंसती है, खुदावंद तू जानता है कि मैं दिल में बड़ा गम रखती हूं। और उसने रोना शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया, और वो रोती गई, दुआ करती गई, रोती गई, दुआ करती गई, और पता नहीं कई घंटे वो ऐसी हालत में रही कि यहां तक कि एली काहिन ने देखा और उसने कहा शायद ये नशे में है कि इतनी देर से दुआ कर रही है, ये शायद अपने हवास में नहीं है, ये अपने काबू में नहीं है, ये होशो हवास में नहीं है। उसने कहा तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम नशा करके आई हो? उसने कहा नहीं, मैं अपनी जिंदगी में ये महरूमी रखती हूँ, मेरे पास औलाद नहीं है और मैं खुदा से मिन्नत कर रही हूँ कि वो मुझे औलाद दे। खुदा के फादर ने एली कहने कहा कि जा, खुदा ने तेरी दुआ को सुन लिया है और वो तुझे उसने ब्लेस कर दिया है, और तू नेक्स्ट टाइम जब आएगी तो शुक्रगुजारी के साथ आएगी। और आप जानते हैं कि खुदा ने उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा काम किया, और खुदा ने उसको एक बेटा बख्शा जिसका नाम उसने शमूएल रखा, और वो नबी हुआ, बाइबल कौन का आखिरी कादी हुआ, और बाइबल कौन के पहले दो बादशाहों को निकल करने वाली पर्सनैलिटी शमूएल थी। कितना बड़ा काम, एक तो बेटा बख्शा और ऊपर से बेटे पर नबी बना दिया, और ऊपर से वो नबी ऐसा नबी जो बाइबल कौन के पहले दो बादशाहों को मखसूस और मक्का किया, और तीसरी बात बताना चाह रहा हूँ, सैमुएल वो नबी था जिसके साथ खुदा डायरेक्ट बात करता था, सैमुएल खुदा की बात को डायरेक्ट सुनता था, और सैमुएल बेचर कौन का आखिरी काजी था। इतना बड़ा काम खुदा ने किया, और सैमुएल के बाद भी हन्ना को औलाद दी। लेकिन हन्ना ने भी कुछ किया, क्या किया? अपने घर से निकली, खुदा के घर में आई, खुदा के झुकी, रोई, करलाई, चलाई, और खुदा ने उसको सुना, उसकी दुख पर नजर की, और खुदा ने उसकी जिंदगी में बड़ा काम किया। प्रॉब्लम ये है, हम गुर्बत में हैं, जी बिल्कुल हैं। क्या हम बीमारी की हालत में हैं? जी बिल्कुल हैं। क्या हम परेशानी में हैं? जी हम हैं। क्या हम बेऔलादी में हैं? जी बिल्कुल हैं। इसके अलावा हर तरह की मुसीबत के दुख में है, बिल्कुल है। क्या हम किराए के घर में हैं कई सालों से? जी ऐसा ही है। अगर ऐसा ही है तो हमें आज जरूरत है कि खुदा हमारी जिंदगी में एक बड़ा काम करे, और वो बड़ा काम ये हो सकता है कि अगर हम किराए के घर में हैं, खुदा आपको अगर अपना घर दे दे तो क्या ये आपके लिए छोटी बात होगी? नहीं, आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप बड़ी खुशी से हर एक को बताएंगे, आप खादमों को अपने घर में बुलाएंगे, और आप शुक्रगुजारी करेंगे, अपने बहन भाइयों के साथ खुशी मनाएंगे, और आपके चेहरे पे स्माइल होगी, आपकी फैमिली खुश होगी, आपके बच्चे खुश होंगे कि यस मम्मा, ये पापा, ये दोस्तों बताएंगे कि हमने खुदा ने अपना घर दिया।
तो अगर जो बंदे किराए के घर में रहते हैं, हर माह दरवाजा खटकता है किराया दे दे, और वो मालिक में बदतमीजी करते हैं क्योंकि ऐसा ही है और इसी तरह की सूरत हाल है, तो उस सारी मुश्किल से खुदा आपको एकदम से निकाल ले और खुदा आपको अपना घर दे दे, तो क्या ये छोटी बात होगी? नहीं, यकीनन ये बहुत बड़ी बात होगी और ये बड़ा काम होगा। खुदा ने आपसे पहले बहुत से लोगों की जिंदगी में ऐसे बड़े काम किए हैं, वो आपकी जिंदगी में भी कर सकता है। अभी हम उससे पहले विजिट पे गए, एक फैमिली में गए, एक बहन की खूबसूरत गवाही और एक बहुत बड़ा काम जो हमने उस घराने में देखा, एक बड़ा मौजदा रुनुमा हुआ और खुदा के नाम के तेरी पुत्र जीत की। और वो बड़ा काम ये था, बहन को 18 साल बाद खुदा ने उलाद दी। 18 साल बाद उन्होंने कहा कि भाई एक वक्त था कि मैं मेडिसिन खाती रही, मैं जो है ट्रीटमेंट मेरा चलता रहा, खुदा ने औलाद नहीं दी। उसने कहा फिर मैंने आगे के हार के छोड़ दी, और उसने कहा कि अब जो है 18 साल बाद विदाउट एनी मेडिसिन, किसी जो है गैर मुल्क के जात के पास जाने के बगैर खुदा ने मेरी जिंदगी में बड़ा काम किया और मुझे औलाद दी। और वो बेटी को मैंने उठाया और उसके साथ खेलते रहे, उसके लिए तो ब्लेसिंग चाहिए। और तकरीबन 2-2.5 माह इस वक्त तो बेटी की एज है, तो 18 साल बाद खुदा ने उसको औलाद दी। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन है कि आपके ईमान को मजबूत करने के लिए गवाही बताई जा रही है कि अगर खुदा हन्ना की जिंदगी में बड़ा काम कर सकता है, तो उस बहन की जिंदगी में कर सकता है, तो नेक्स्ट आप हो सकते हैं, आप में से कोई बहन हो सकती है, यकीनन खुदा आपके लिए कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गुरबन की बात करते हैं, अलीशा नबी के पास एक बेवा आई और उसने कहा कि ऐ मालिक, ऐ आका, मेरा शोहर मर चुका है और कर्जदार आए हैं और वो कहते हैं कि अपने बेटे मुझे गुलाम होने के लिए दे दे और मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं उस कर्ज की अदायगी कर सकूं। खुदा के खादिम ने कहा तेरे पास कुछ रहने हैं? उसने कहा एक प्याला तेल है। खादिम ने कहा कि जा बहुत जो है अपने हमसायों से बर्तन ले ले और अपने कमरे में जा और बर्तन थोड़े ना लेना और उस तेल को बर्तन में डालते जाना और खुदा तुझे बरकत देगा। और आप उस वहीं को जानते हैं कि खुदा के बंदी ने जो है अपने हमसायों से इसकी वालों से बर्तन इकट्ठे किए, अपने घर में गई, दरवाजे को बंद किया, उसके बेटे बर्तन लाते थे और उसके घर में जो अपने घर में जो प्याला था तेल का, तेल का वो अंडेलती थी और शायद एक ही कतरा निकलता होगा और उस बर्तन में जाता होगा और खुदा की कुदरत से एक बड़ा काम रुनमा हुआ, वो पूरा बर्तन भर जाता था और वो इसी तरह से करते रहे, उसके के सारे बर्तन तेल से भर गए और खुदा ने इस तरीके से उनके घर में बड़ा काम किया और उनको कर्ज से निकाला, गुरबत से निजात दी और वो अमीर शख्सियत बन गए। हालेलुया, तो खुदा उसको गुरबत से निकाल सकता है, कर्ज की इदारे से निकाल सकता है, तो आज खुदा ये आपके लिए करना चाहता है, आज खुदा आपको गुरबत से निकालना चाहता है, आज खुदा आपको कर्ज से निकालना चाहता है, आज खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता है। लेकिन गौर करना है, उस बेवा ने कुछ किया है इसलिए उसके लिए बड़ा काम हुआ है, और वो क्या था? खुदा के खादिम ने कहा कि तेरे घर में क्या है, तेरे घर में क्या है? उसके पास जो था उसने ईमानदारी से बताया और उसको खुदा के खादिम ने ब्लेस किया, बरकत दी और उससे उसके लिए बड़ा काम हुआ। प्रॉब्लम ये होती है, आज हमें भी अपने घरों पर नजर करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी पर नजर करने की जरूरत है। हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बिल्कुल जो है कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए। यकीन है खुदा खाना खिलाता है, अगर बहुत अच्छा नहीं तो नॉर्मल खाना आप खा के सोते हैं, बहुत महंगे नहीं तो नॉर्मल कपड़े आप पहनते हैं, कुछ ना कुछ आपके घर में है, उसको लेना है और खुदा के जोर पेश करना है, अपनी जिंदगी को खुदा के जोर पेश करना है, अपने बच्चों को लेके आना है और खुदा के जोर पेश करना है। अगर आपके पास
पैसा नहीं है, गुर्बत की हालत में है, लेकिन अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं तो उस गुर्बत की हालत में ही जो कुछ है वो खुदा के घर में लेके आए, खुदा के खादम के पास लेके आए, दुआ करवाए और उस थोड़े में खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। हम बहुत ऐसी पेरेंट्स ले जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल तौर पर गुर्बत की हालत में है, कर्ज की हालत में है, घर देके, फैमिली देके, वो सारा उनकी जिंदगी देके बड़ा दुख होता है, पर यकीन करें वो उस हालत में भी जो उनके पास होता है खुदा के लिए देते हैं। और ये बात उस तमसील को, उस बात को, उस वाक्य को याद दिलाती है जिस औरत ने दो दमड़ियां दी थी, उसके घर में वही दो दमड़ियां थी और उसने वो खुदा के हुजूर पेश कर दी। अजीजो, अगर आप फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहते हैं तो देना सीखे। अगर आपके पास जो है वो खुदा की हुजूर लेके आए, 5 रुपए 10 रुपए, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी है वो लेकर आए, खुदा आपके दिल पर नजर करता है। आप ये मत सोचे मैं 100 रुपया हदिया पाऊंगा तो फिर ही ठीक है, मैं 1000 रुपया हदिया पाऊंगा फिर। आप जो खुदा के दूर है उसको खुशी से खुदा के पास लेके आए, खुदा उसको मल्टीप्लाई करके आपको लौटाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप गुरबत से निजात पाना चाहते हैं तो जो आपके पास है वो लेके आए, खुदा उसको ब्लेस करेगा और आपको मल्टीप्लाई करके लुटाएगा। प्रॉब्लम ये है हम गुरबत से निजात पाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास जो है वो हम खुदा के पास लाना नहीं चाहते। हम हन्ना की तरह औलाद हासिल करना चाहते हैं लेकिन हम खुदा के घर में रोना नहीं चाहते, खुदा के आगे पुकारना पसंद हम नहीं करते। तीसरी बात, बीमारी। हमारे अगर आप बीमारी की हालत में हैं तो अजीजों बीमारी की हालत से खुदा शिफा दे सकता है और आप जिंदगी में बड़ा काम कर सकता है। एक वाक्य की तरफ याद दिलाना चाहूंगा, नमान कोड़ी, किसे तो याद है, अलीशा नबी, उसके पास एक वजीर आया, कोड़ की हालत में मुब्तला था, कोड़ में वो मुब्तला था और खुदा के बंदा ने कहा जाके 7 गोते मार। वो गया, उसने पानी में 7 गोते लगाए और क्या हुआ, वो कौन जाता रहा और उसकी जिंदगी में एक बड़ा काम हुआ। हालेलुया, खुदा के लिए जोर से तालियां बजाएं, खुदा के दिमाग के लिए और मुद्रात के लिए जो खुदा ने अपने लोगों के लिए आज भी करता है और सारी मुद्रात के लिए। हालेलुया। अजीजों, एक बंदा कोड़ में मुब्तला हो और उसे एकदम से कोड़ से छुटकारा मिल जाए, क्या ये छोटा काम? नॉट। हमारे हाथ में छोटी सी फिस्ती निकले, थोड़ा फोड़ा निकले, वो इतना तड़पाता है रात को नींद नहीं आती, बेचैनी, बेसुकूनी, दर्द। और वो पूरा बदन उसका जो है कोड में मुड़ता था और उसको कोड से एकदम से शिफा मिली, तो क्या ये छोटा काम है? नहीं, खुदा का आज तक अब तक यक्षा खुदा है, वही खुदा जिसने जो है नमाज कोड़े किया और शिफा दी, आज वो आपको और आपकी फैमिली में अगर कोई बीमार है उसको शिफा देकर बड़ा काम कर सकता है और करना चाहता है। अगर आप गुर्बत में हैं तो जैसे खुदा ने उस बेवा को जो है उस तेल के लिए ब्लेस किया और उसको गुर्बत से कर्ज से निकाला, खुदा आज आपको गुर्बत से और कर्ज से निकालना चाहता है, खुदा आपके लिए कर सकता है। और अगर आप एक औलादी में मुब्तला है तो हन्ना की तरह खुदा आपको औलाद दे सकता है। हालेलुया। अब हम आखिरी इसका जो है कुछ बातें देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बड़ा काम हो तो पहली बात, ईमान रखने की जरूरत है। क्या रखने की जरूरत है? मैंने स्टार्टिंग में पूछा क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बड़ा काम करे, आपने कहा यस। मैंने आपको बताया खुदा भी चाहता है कि आपकी जिंदगी में वो बड़ा काम करे। अब देखें, करने वाला खुदा है और जिनके लिए करना है वो हम हैं, हम भी चाहते हैं, खुदा भी चाहते हैं, लेकिन जिंदगी में बड़ा काम नहीं हो रहा, प्रॉब्लम है, रकावट है, कुछ खामी है। और खामी ये है, हम चाहते हैं, हम दुआ करते हैं, अकल में आते हैं, ईमान नहीं रखते, ईमान नहीं रखते, हम ईमान के साथ नहीं मानते। हन्ना ने ईमान के साथ मांगा, रो रो कर मांगा, चला कर मांगा, खुदा ने जिंदगी में बड़ा काम किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल लेवल पर और जो है किसी भी बीमारी की अगर आप हालत में है और किसी भी तौर पर अगर आप परेशानी में है, आप चाहते हैं खुदा जिंदगी में बड़ा काम करे, आपको ईमान रखने की जरूरत है। ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है।
ईमान के बगैर आपकी जिंदगी में बड़ा काम नहीं हो सकता, ईमान के बगैर आपकी जिंदगी में मोहसा नहीं हो सकता, ईमान के बगैर आप गुरबत से रहाई नहीं पा सकते, ईमान के बगैर आप शिफा को हासिल नहीं कर सकते, ईमान के बगैर औलाद को हासिल नहीं कर सकते, ईमान के बगैर आप अच्छी जॉब हासिल नहीं कर सकते, ईमान के बगैर आपका बिजनेस तरक्की नहीं कर सकता। यीशु मसीह के पास जो भी आया तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे, जा तेरे ईमान ने तुझे, ईमान रखने की जरूरत है। आप अपने ईमान की वजह से शिफा पाएंगे, बरकत पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि इसके साथ साथ ईमान के साथ साथ हमें फरमा बरदारी की जरूरत है, ईमान रखने की जरूरत है, और उसके बाद जो खुदा कहता है उसको मानने की जरूरत है। कलाम मुकद्दस को जिंदगी मिले और फरमा बरदारी से चले। तीसरी बात, वेट फॉर राइट टाइम, वेट फॉर राइट टाइम, सही वक्त का इंतजार करें। अब आप ईमान रखते हैं, आप परमा बता ऐसे चल रहे हैं, लेकिन हम इंतजार करना पसंद नहीं करते। कलाम मुकद्दस बताता है हर चीज का एक, हर चीज का एक, और वहां पे वाज़े लिखा है कि शफा देने का एक वक्त है, पैदा होने का एक वक्त है, मरने का एक वक्त है, एक टाइम होता है उस मुकर्रर वक्त पर खुदा शिफा देनी है, एक टाइम होता है उस मकाना वक्त पर खुदा ने गुरबत से निकालना है, एक टाइम है आपकी बहाली का, आपकी सरप्राइज़ का, आपकी ब्लेसिंग का। सो अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे, ईमान रखे, फरमा बरदार से चले, एंड वेट फॉर राइट टाइम, वक्त पलटेगा। हालेलुया, बहाली होगी। हालेलुया, गुरबत जाएगी। हालेलुया, और हर दिन बीमारी से आने जा पाएंगे। हालेलुया, हम वेट करना पसंद नहीं करते। अभी तो जब हम ईमान रखेंगे, फरमा बरदार से चलेंगे और वेट करेंगे, खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। हालेलुया, और फिर आप आगे गवाही देंगे कि खुदा ने मुझे कट्टर की तरफ से जो है निजात दी, खुदा ने मुझे बड़ा घर दिया, खुदा ने मुझे बड़ी गाड़ी दी, खुदा ने मुझे बेस्ट जॉब दी, खुदा ने मुझे शिफा दी, और खुदा ने मेरी जिंदगी में अनमोल और बड़े बड़े काम किए। यकीनन खुदा करेगा। हालेलुया, ईमान रखने की जरूरत है, फरमा बरदार से चलने की जरूरत है, वेट फॉर राइट टाइम। God bless you. खुदा के साथ भी जोड़ता लिया। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद खुदा की सलाम के लिए, खुदा की बेटा आवाज के लिए, खुदा की बेटा के लिए जोड़ता लिया। हालेलुया। किस किस को कुलाम की समझ आई है, किस किस को कुलाम की समझ आई है।